प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ा गया जो पाठ 14 है अकबरी लोटा, इसका प्रश्न अभ्यास भाग 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भाग 3 में पता कीजिए और भाषा की बात से संबंधित जो प्रश्न आएंगे इसमें उन्हें आज हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया, उल्का क्या होती है, उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं। अब उत्तर है, उल्का का निर्माण चट्टानों से होता है, यह तारों के चारों तरफ घूमता है, कई बार यह अपने पथ पर चलते चलते टूट जाता है और पृथ्वी की तरफ तेजी से गिरता है, घर्षण के कारण यह तेजी से जलकर राख होता है, इसके जलने से चमक उत्पन्न होती है जिसे लोग टूटता तारा भी कहते हैं। तो ये उल्का थी बच्चों। तो अब ग्रह और उल्का में समानताएं, ग्रह और उल्का का निर्माण चट्टान के कणों से होता है, पहली समानता ये है। दूसरी है, दोनों ही किसी तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब है ग्रह और उल्का में असमानता या अंतर। उल्का की तुलना में ग्रहों का आकार काफी बड़ा होता है। दूसरा, इसमें क्या अंतर है, ग्रह अपनी दूरी पर चक्कर लगाते हैं जबकि उल्काओं की कोई निश्चित दूरी नहीं होती। तो बच्चों हमने ये उत्तर जान लिया कि उल्का क्या होती है, ग्रह और उल्का में समानताएं और असमानताएं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में आपने दो चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी, आपके विचार से ये कहानियां सच्ची हैं या काल्पनिक। तो बच्चों ये कहानियां सच्ची नहीं है, ये दोनों कहानियां काल्पनिक है, ये मनोरंजन के लिए आपके यहाँ पे ये कहानियां लिखी गई हैं। और कोई ना कोई कहानी जो है प्रेरणा भी देती है या हमें शिक्षा भी प्रदान करती है। तो हमें इसमें जो शिक्षा मिली है खास करके वह मिली है कि हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही मांग रखनी चाहिए। जब लाला झाऊलाल की पत्नी को पता था कि उनकी कमाई कितनी है तो उन्हें इतने ज़्यादा पैसे अपने पति से नहीं मांगने चाहिए थे। और साथ में ये भी इसमें शिक्षा मिली है कि कभी भी हमें किसी की चीज़ जो है चुरानी नहीं चाहिए। जैसे पंडित बिलवासी मित्र ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चुराए थे। तो अब ये काल्पनिक कहानियाँ जो यहाँ पे दी गई है तो ज़रूर हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है या प्रेरणा देती है। तो हमें बच्चों इससे मनोरंजन भी मिलता है, हम इसमें मनोरंजन की प्राप्ति भी करते हैं। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। अब जैसी कहानी कैसी है आपकी ये मज़ेदार कहानी, अकबरी लोटा और जहांगीरी अंडा। तो कक्षा या घर में आपकी कोई चीज़ है, जैसे कक्षा में कोई पुरानी चीज़ है या फिर घर में है, तो उस पर कहानी बनानी है। तो आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते होंगे, परियों की कहानियाँ भी पढ़ते होंगे। तो अपने मन से कोई ऐसी कहानी बच्चों बनाएं, ये आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत। उत्तर, बिलवासी जी ने चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया, किसी की सहायता करने का यह तरीका गलत है। दूसरी ओर बिलवासी जी ने एक अंग्रेज से झूठ बोलकर भी रुपयों का प्रबंध किया था, यह भी गलत है। उन्हें अपनी पत्नी को समझाकर उनसे रुपये मांगने चाहिए थे। तो इस तरह से बच्चों चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब है भाषा की बात,
इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार या रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुन कर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। सप्ताह से तात्पर्य सात दिन से है या सात वर्ष थे। तो बच्चों, आप और भी वाक्य इस कहानी में से ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगे या मज़ेदार लगे, तो जिसमें आपको पढ़ते हुए आनंद की प्राप्ति हुई, तो उन वाक्यों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से पांच मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो इसमें बच्चों आपको काफ़ी मुहावरों का प्रयोग आया है, जो पाठ पढ़ते हुए हमने उनके अर्थ भी आपको बताए हैं। तो अब आपको उन मुहावरों के कोई से मुहावरे, जो पांच मुहावरे हैं, वो लेने हैं, उनके अर्थ लिखने हैं और फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो आपको परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न आता है जिसमें आपको मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग लिखने होते हैं। तो मुहावरे इस प्रकार है। पहला है, तिल मिला उठना, क्रोध में हो जाना। थप्पड़ पड़ते ही रिक्शे वाला तिल मिला उठा और कुछ बुदबुदाता हुआ चला गया। दूसरा, दुम दबा कर भागना, डर कर भाग जाना। शेर की दहाड़ सुनते ही इकट्ठे जानवर दुम दबा कर भाग निकले। हंसी खेल ना होना, आसान ना होना। प्रतियोगिता के इस युग में IAS बनना हंसी खेल नहीं है। मारा मारा फिरना, निरुद्देश्य घूमना। प्रदूषण फैलाने के नाम पर बंद की गई फैक्ट्रियों के कारण हजारों मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं। कान पकना, तंग आना, तुम्हारी बेकार की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तो बच्चों, ये कुछ मुहावरे मैंने पाठ में से यहाँ पर अर्थ लिखे और वाक्य प्रयोग किए। तो आप भी अन्य मुहावरे ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं मुहावरों को लिखें। आप अभ्यास करें, दूसरे मुहावरे पाठ में से छांटें और उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखें। तो आज की वीडियो के जो प्रश्न उत्तर है, तो ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।